हे गाइस, मैं संतोष, सर स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हम लोग आए हैं रेलवे स्टेशन, जो कि आपने देखा होगा जब मैं गोप्रो लेने जा रहा था उस टाइम पे मेरे साथ नीरज था। ये नीरज जा रहा है गांव और मैं ड्रॉप करने के लिए आया हूँ उसको रेलवे स्टेशन पे, सूरत रेलवे स्टेशन। तो नीरज भाई जो है टिकट वगैरह लेकर के आ चुके हैं, सर टिकट लेके आ गया, प्लेटफॉर्म टिकट भी हम लोग ने ले लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलते हैं दोस्तों। ये अंधेरा आप जो देख रहे हैं, ये है ना, ये इधर का ग्राउंड फ्लोर है जहाँ से दूसरी प्लेटफॉर्म पे जाने का रास्ता होता है। तो अभी हम लोग को 4 नंबर पे जाना है। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म यहाँ पे राइट है। नीरज बहुत हैप्पी है, बहुत दिन से जा रहा है, बहुत दिन बाद जा रहा है गाँव में। नीरज भी अपने कैमरे से आज ब्लॉग शूट कर रहा है साथ में। नीरज भाई के अंदर भी कॉन्फिडेंस आ चुका है साथ में करते करते, तो हम लोग दोनों स्टार्ट कर दिया है दोनों ने। शायद नीरज भाई गांव जाते हैं ब्लॉग अपलोड कर दोगे ना? इस बार नीरज भाई पक्का ब्लॉग अपलोड करने वाले हैं। हम लोग 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गए। हम लोग जो है ताप्ती गंगा ही है, टिकट हुआ ही ना जा। तो ये वाली ट्रेन ताप्ती गंगा ही है और हम लोग को चलना है। तो कोई टिकट विकट नहीं है क्योंकि अर्जेंट में जाना पड़ रहा था इसके लिए। नीरज जो है गंगा ताप्ती से जाएगा। तो ये कौन सी है, छपरा भागलपुर है ये? ये गंगा ताप्ती है। तो गाड़ी तो अपने प्लेटफॉर्म पे। तो इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है लेकिन एडजस्ट कर लेगा ये, कोई बात नहीं भाई, बंदा बहुत हार्ड है। तो अकेले है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब पहली बार अकेले जा रहे हो या पहले भी गए हो? नहीं अकेले गए हैं। अकेले गए हो, तब कोई टेंशन नहीं है। कितने साल बाद जा रहे हो यहाँ वैसे? 1 साल हो गया शायद। 1 साल हो गया ना, मेरे को तो 4 साल हो गया गाँव दिखा भाई। जाओ, इस बार जाऊँगा, गाँव को ठंडी का मजा लेके आओ। इस बार तो जाऊँगा ना, टेंशन क्यों ले रहे। एक अच्छी चीज़ दिखी, ये एलिवेटर, मैं जा रहा हूँ एलिवेटर से जाऊँगा आऊँगा, जब तक गाड़ी जाएगी नहीं तब तक यही करूँगा आधे घंटे का टाइम पास। गाइज हम लोग जो है ना अभी ये ऊपर से जो हम लोग क्रॉस करते हैं वहाँ पे है, तो इधर का भी व्यू बहुत अच्छा है, इधर से पूरा रेलवे स्टेशन दिखता है बहुत हार्ड। तो हम लोग ब्लॉग कर रहे थे, दो चार लोग देख रहे हैं, वो लोग भी हाय। आगे टीटी खड़ा है, वो चेकिंग वेकिंग कर रहे हैं, तो हम लोग निकल लेते हैं फिर से अपने रास्ते जाते हैं। देखेंगे तो दिखाते हैं ना, यूट्यूब पे आएगा ना? किस पर आता है? यूट्यूब पे खोलो, नाम आए अभी चालू किए हैं संतोष 05। सो ऑलराइट गाइस, अभी है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, तो लगभग 10 मिनट के आसपास में है ना ट्रेन जो है निकल जाएगी। तो हम लोग अंदर जाके कुछ जुगाड़ करते हैं, टिकट तो है नहीं, जुगाड़ करके ही चलना है। तो चलते हैं अंदर। ये वाली बोगी में हरियाली नहीं है लेकिन भीड़ नहीं था, तो इसके लिए हम इस वाले बोगी में जा रहे हैं। तो देखते हैं कुछ सेटिंग बैठता है भाई का या फिर भाई लटक के जाता है, देखते हैं। इधर है जब क्या देख क्या रहा है अंदर। ये जा रहा है, तो इधर खाली है, बैठ जाते हैं। देखो मेरा रहना है सूरत को बाय करो और मेरे साथ चलो। सूरत में बहुत कुछ है ब्रो, आप गांव दिखाओ, मैं सूरत दिखाता हूँ, उसमें क्या है। जैसा मन करे आपका, दोनों करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों देख सकते हो आप लोग, अभी है ना ये भाई तो बैठ चुका है। मैंने यहाँ का विंडो शीट ऑन कर लिया, जब तक ट्रेन नहीं जाता है तब लाइट कम है तो वो इग्नोर करना, ठीक है ना। अभी पता है बहुत अच्छा ये हुआ क्योंकि जो भाई मिला मेरे को, अनिल चौहान नाम का बंदा मिला था, वो यूट्यूबर है जो, वो भी है ना बनारस तक वो लोग जा रहे हैं, तो इसको भी कंपनी मिल जाएगा अपने भाई को, नीरज भाई को, ठीक है ना। सो ये लोग भी 3-4 लोग हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो ट्रेन का तो कोई टेंशन नहीं रह गया, आराम से चला जाएगा। और टाइमिंग भी लगभग डन हो गया है, 9:30 हो चुका है और 45 तक है ना शायद ट्रेन निकल जाती है, 45 तक, ठीक है। तो फिर
बहुत अच्छा हुआ कि भाई कोई मिल गया साथ में, तो अपने सब माइंड फ्रेश फ्री रहेंगे, ठीक है ना। तीन चार लोग हैं तो भाई कोऑर्डिनेट करके रहने का, ठीक है ना भाई। देखना लंडियाबाजी बहुत करता है, ठीक है ना, ये नहीं डालूंगा। मत डालना, नहीं तो बेइज्जती होगी। ठीक है, टाइम जो है ना ट्रेन के निकलने का हो चुका है, तो मैं बाहर चला जाता हूँ। पता नहीं भीड़ भाड़ हुआ तो फिर बाहर नहीं निकल पाऊँगा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो नीरज भी एकदम अच्छे से एडजस्ट हो चुका है यहाँ पे, तो बिना टेंशन का हो गया, ठीक है ना। तो ये देखो रो रहा है ये लड़का, नौटंकी एक नंबर। जाओ, अपना ख्याल रखना अच्छे से। अरे अपना ख्याल रखूंगा, आप आराम से जाना, हैप्पी जर्नी, ठीक है ना। दोनों साइड ब्लॉगिंग चल रहा है, दोनों साइड। Bye, ठीक है भाई, अभी कहाँ, ट्रेन तो निकलने देना ब्रो, बाहर वेट कर रहा हूँ ना, फिर निकलूंगा। सो मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ। यहाँ ये देखो नीरज है ना सामने, देखो ले 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 ले। चल भाई। सो गाइस ट्रेन निकल चुकी है, और गाइस गाड़ी तो निकल चुकी है, और नीरज भी अपने घर के लिए निकल गया, और मैं फिर से इस एलिवेटर पे आ गया जहाँ मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं दो तीन बार जब तक टाइम नहीं हुआ था तब तक मैंने इसी पे ऊपर नीचे करके टाइम पास किया था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।